हेलो एवरीवन, मैं विनया आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम दही मिर्ची बनाने वाले हैं और ये मिर्ची बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ होती है, कभी भी ख़राब नहीं होती और इसे आप बस फ्राई करके खाने के साथ चख सकते हैं, स्पेशली व्रत के टाइम पे। तो चलिए फिर इस अमेजिंग सी दही मिर्ची की रेसिपी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचे। तो दही मिर्ची बनाने के लिए हमने यहाँ पे 200 ग्राम हरी मिर्च ली है। तो ये वाली मिर्ची हमने थोड़ी सी मोटी वाली ली है क्योंकि इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ये हल्की सी फीकी भी होती है नॉर्मल हरी मिर्च से। तो आपको यही वाली मिर्ची इस्तेमाल करनी है। तो सारी मिर्चियों के हमने डंठल निकाल लिए हैं और अब हम इन्हें कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं सीधा पहले मिर्ची को कट करूँगी ताकि दही जो है वो बिल्कुल अंदर तक अच्छे से मिर्ची में लग जाए। और अब हम इसे हॉरिजॉन्टली यानी कि आड़ा कट करेंगे और इस तरह से मैंने इसके 4 टुकड़े कर दिए हैं और इसी तरह मैं सारी मिर्चियों को काट लूँगी। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से आप अपने हिसाब से जिस साइज़ में इसे कट करना चाहते हैं उस साइज़ में आप इसे कट कर सकते हैं। तो सारी मिर्चियाँ जो है हमने कट कर ली है। तो ये हमने यहाँ पे 250 ग्राम दही लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और अब हम इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तो इसे बीट करने के लिए मैं अब यहाँ पे विस्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए, तो मैं इसे बिल्कुल अच्छी तरह से विस्क कर लूँगी ताकि इसमें एक भी गुठली ना रहे। आप ध्यान रखिएगा कि आपको सारे लम्स जो है वो दही में से निकाल देने हैं, बिल्कुल क्लियर प्लेन दही होना चाहिए। तो दही को जो है हमने अच्छी तरह से विस्क कर लिया है, सारी जो लम्स थे वो निकाल दिए हैं और इसमें हमने मिर्ची के टुकड़े भी डाल दिए हैं। अब इन सारे टुकड़ों को हम अच्छी तरह से दही में मिक्स कर लेंगे ताकि दही जो है वो अच्छी तरह से इसे लग जाए। आप देख सकते हैं मिर्ची को हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे पकाएंगे। तो उसके लिए मैंने इस पतीले को गैस पे रख दिया है और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे करके मैं मिर्चियों को दही में पका लूँगी। तो इन मिर्चियों को हमने तब तक पकाना है जब तक इसका कलर येलो पड़ जाता है और सारा दही जो है वो पतीले में से सूख जाएगा, तब तक हमें इसे अच्छी तरह से पका लेना है। तो इन्हें हम बीच बीच में चलाते जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि दही में से जो है बस पानी ही रह चुका है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से पकाते जाएंगे ताकि ये पानी भी पूरा सूख जाए और बस येलो कलर की मिर्चियाँ ही रह जाए। तो इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। तो आप देख सकते हैं कि मिर्ची जो है हमने अच्छी तरह से पका ली है, पूरा दही जो है वो ड्राई हो चुका है और मिर्चियाँ बिल्कुल येलो हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, बिल्कुल भी दही पतीले में नहीं बचा है। तो अब इन मिर्चियों को हम एक थाली में डाल देंगे, ये देखिए, इस तरह से अलग अलग करके ताकि ये जल्दी से सूख जाए। तो आप इसे सुखाने के लिए छत पे रख दीजिएगा या फिर किसी भी धूप की जगह में आप इसे रख सकते हैं। अगर बहुत तेज़ धूप चल रही है तो एक दिन में ये मिर्चियाँ सूख जाएगी, वरना आपको 2 दिन भी लग सकते हैं। बिल्कुल ड्राई होने तक इन मिर्चियों को आपने सुखा लेना है। ड्राई होने के बाद ये बिल्कुल कागज़ की तरह लगेगी। तो तब तक हम इसे अच्छी तरह से सुखा लेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मिर्चियाँ हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुकी है और ये बिल्कुल लाइट वेट बन चुकी है कागज़ की तरह। बहुत तेज़ धूप चल रही थी तो मुझे इन मिर्चियों को सुखाने के लिए बस एक दिन ही लगा है। तो अब हम इन मिर्चियों को फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे तेल लिया है। अब जैसे ही तेल गर्म हो जाता है तो हम इसमें डालेंगे मिर्चियाँ। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिर्ची को फ्राई करने के लिए, बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है ये। तो आप देख सकते हैं मिर्ची जो है हमारी ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये थी हमारी बहुत ही खास और सिंपल सी रेसिपी जिसके साथ खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी बन चुकी है फ्राई करने के बाद। तो इस रेसिपीज़ को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी लगती है आपको ये रेसिपी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेज कुकिंग।